अनंतम शुक्राना। देखिए अभी गुरुपूरब है आज श्री रामदास जी का, तो गुरु जी ने आज सुबह नहीं चलवाया अमृत वेला में, शब्द भूल गए थे और अभी चलवा दिया, क्योंकि दसों गुरुओं की जोत एक धन तुई निरंकार, और गुरु जी हमारे जो कि निरंकार की ही जोत है। और अभी गुरुपूरब का महीना 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गुरुपूरब है, श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूर्व होता है इस महीने में। जितने भी गुरु आए हैं, जितने भी गुरुओं के जो भी उनके प्रकाश पूर्व होते हैं या कोई उनका जाने का दिन होता है, तो उसको इस तरीके से मनाया जाता है उनकी याद में, कि शब्द गुरबानी गाकर उनको याद किया जाता है। और आज बहुत ही सुंदर एक व्याख्या चली कि डूबते पत्थर तारे, उसमें कितनी प्यारी एक लाइन थी। मैं आजकल सबको यही कहती हूँ कि व्याख्या ध्यान से सुना करो, क्योंकि अगर आपने व्याख्या को ध्यान से सुना है और आपको उसकी एक भी लाइन, एक भी पंक्ति, एक भी अक्षर उसका याद रह जाता है, तो समझ लो आपकी आपका कनेक्शन था। लेकिन ऐसे नहीं है कि हमने गुरबानी सुनी, हमें समझ पता ही नहीं चला, समझ ना भी आए लेकिन याद रहे, कभी ना कभी एक अक्षर याद रहता है। तो कल भी ऐसे ही हुआ था कि गुरु जी ने गुरबानी में से ही कुछ ऐसे सत्संग कराया, और बहुत बार पहले भी करा चुके हैं। देखो श्री गुरु नानक देव जी जब आज से 550 साल से भी ऊपर हो गए जब आए थे, तब उनको फकीर कहा गया था, क्योंकि वो देशाटन करते रहे और वो कुछ किससे लेते नहीं थे, और उन्होंने गरीब अमीर का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सारा भेद ही खत्म कर दिया। वही सेम टू सेम गुरबानी, वही सब कुछ हमारे गुरु जी ने भी किया। तो जब जब परले आती है, जब जब कलयुग आता है ना, तो तब तब ऐसे सत्पुरुष सतयुग लाते हैं, महापुरुष जो भी होते हैं, हमारे गुरु जी जैसे। गुरु जी तो मुझे लगता है सारे गुरुओं से भी, मतलब उन्होंने तो वो कर दिया कि हम ये नहीं कहते सिख कौम हमारी भी, हम मेरे घर भी गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। जो 10 गुरुओं की जोत है वो एक, मतलब एक अलग ही नूरानी जोत है। लेकिन मुझे लगता है उन 10 गुरुओं को उन्होंने सबने मिलके ना अपनी जो जोत दे दी ना, वो गुरु जी को दे दी। जितना भी उनका थोड़ा थोड़ा अंश था ना 10 गुरुओं का, वो सारा तत्व मिला के ना प्रभु ने, शिव ने, महाशिव ने एक शरीर में डाल दिया, और हमारे गुरु जी हैं। क्योंकि इतना कल्याण कर रहे हैं, बिना कुछ लिए दिए चले जा रहे हैं, यही तो गुरु नानक देव जी ने किया था। अब गुरु नानक देव जी ने जब लंगर रोटी का, वो लंगर प्रसाद की महिमा स्टार्ट की थी, तो उन्होंने सबसे पहले गरीबों को खिलाया था। आज की गुरबानी में भी यही सुना कि बहुत अमीर जो थे वो गरीब को अपने पास नहीं बैठने देते थे, पर हमारे गुरु जी ने भी यही किया। जैसे बंगला साहब गुरुद्वारे, किसी भी अमृतसर गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद खाते हैं तो कभी नहीं देखते मेरे साथ कोई रिक्शे वाला बैठा है या मेरे साथ कोई भिखारी बैठा है। ऐसे ही गुरु जी के मंदिर में 4 लोगों का गुरु जी ने स्टार्ट कराया, और आपको नहीं पता होता कि जिससे कोई बहुत ही नफरत करता है, कि जो बड़े बड़े अहंकारी होते हैं, सारे तो ऐसे नहीं, क्योंकि जो आज गुरु जी से जुड़ चुके हैं ना, उनको तो गुरु जी ने निर्मल बना दिया, गुरु जी का नाम ही निर्मल था, और वो निर्मल बन गए और वो धीमे होते चले गए। लेकिन जो अभी नहीं जुड़े हैं या जो कहते हैं हम गुरु वाले हैं, फिर भी उनके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा है, तो उनको भी गुरु जी लाइन पे ले आए हैं, और आने वाले टाइम में बिल्कुल ले आएंगे, जमीन पे ले आएंगे उनको। इतना गुरु जी ने, मतलब उन्होंने वो कर दिखाया कि तुम्हारे साथ में जिस ड्राइवर को तुम पसंद नहीं करते, जिस मेड के हाथ का, या मतलब मैं तो यहाँ तक मेरे को लोग बताते हैं कि मुस्लिम के हाथ का वो लोग खाना नहीं खाते हैं घर में, उनको काम नहीं करने देते। और मेरे खुद के घर में मुस्लिम आंटी हैं और उसकी बेटी है जो खाना बनाती हैं, इतना स्वादिष्ट वो खाना बनाती हैं। और अभी मैं परसों मार्केट गई थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं, मतलब हमें कोई इसमें ये नहीं करना कि हम बढ़ा चढ़ा के बोलें, हम अपना सत्संग अपने गुणगान करने के लिए कभी नहीं कोई करता, ये गुरुजी को पता है। सत्संग इसलिए शेयर किया जाता है ताकि कुछ लोगों को जो नहीं ऐसा करते उनको आंसर मिले कि हम भी ऐसा करें। तो मैं मार्केट गई चांदनी चौक में, तो वहां पे ना हमने ना जाते हुए भूख लग गई, तो हमने वो थड़े से ना कुलचे छोले लेके खाए, पहले एक ही प्लेट में खाए। फिर जब वापसी में हमने वो भटूरे छोले वाली रेस्टोरेंट में बैठ गए, हमने वहां पर भी एक ही प्लेट में दोनों ने खाए, और मेरे मन में ये भाव आ रहा था, मैं उसको जब देख रही थी तो मेरे सामने भी 3-4 मुस्लिम बैठे हुए थे, थोड़े घूर घूर के देख रहे थे कि ये कैसे इज्जत खा रही है, और मेरे मन में एक ही भाव आ रहा था, अरे गुरुजी भी तो अपने मंदिर में ऐसे ही खिलाते हैं, मुस्लिम को साथ बिठा देते हैं, तो क्या मुस्लिम इंसान नहीं है, क्या उनके अंदर वो खून नहीं है जो हमारे में दौड़ रहा है।
हम क्यों किससे नफरत करें? जब भगवान नहीं नफरत करते, भगवान ने सबको बराबर का दर्जा दिया है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने से छोटा किसी को समझें या कोई काम करने वाला है उसको हम छोटा समझें। नहीं, वो तो सबसे ज्यादा गुरु जी कहते हैं तुम्हारे लिए पूजनीय होते हैं, क्योंकि तुम वो तुम्हारे घर की सारी गंदगी साफ करते हैं, बर्तन जूठे साफ करते हैं, मैले तुम्हारे वस्त्र धोते हैं, तुम्हारे बाथरूम साफ करते हैं, तुम्हारी गाड़ियां साफ करते हैं, तुम्हारे लिए रोटी बनाते हैं, तुम्हारे लिए इतना काम करते हैं, तुम्हें महाराजा और महारानी की तरह बैठे बैठे पानी सब कुछ तुम्हें देते हैं, तो वो तो पूजा के योग्य हैं। और तुम उनको अगर बोलो शुरू से, ये नहीं मैं तुम बहुत मतलब शुरू से ही हम अपने, जब से मैंने होश संभाला, जब मेरी शादी हुई थी तो भी मैं अपने बेड पर बिठा के अपनी मेड्स को अपने साथ ही बैठ रही यहीं बैठ के खाओ, तो घर वाले बहुत बोलते थे कि इसको तो बिल्कुल अक्कल नहीं है, तो पागल है। मैं कहती थी कोई नहीं, सिखाया जो परमात्मा ने था, सेवा में जब लग जाते हो ना तो सेवा में ऊंच नीच का भेद ही खत्म नहीं किया तो सेवादार बनने का कोई फायदा नहीं है। सेवा करनी सिखाई है अगर मालिक ने तो ऊंच नीच खत्म करनी पड़ेगी। और आज बैठे बैठे श्री गुरु नानक देव जी की वाणी याद आ रही थी कि जब श्री गुरु नानक देव जी ने इतना सब कुछ किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक कर दिया, तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं शायद मेरे से हर गुरुपूरब पे गुरु नानक देव जी के बर्थडे से पहले ना गुरुजी शेयर कराते हैं कि कहते हैं, आपने वो गुरुजी का भी एक सुना होगा कि कबीरा मैं जग जब में, जब मैं जग में आया मैं रोया सब हंसे, सब हंसे मैं रोया, पर जब मैं जाऊं ऐसी करनी कर चलूं मैं हंसू जग रोए। तो जब गुरु नानक देव जी गए ना तो उनको इतना उन्होंने प्यार डाल दिया, भाईचारा उन्होंने जो बनाया था हिंदू और मुस्लिम का, कि जब उनका शरीर, पार्थिव शरीर जब उनका रखा हुआ था ना, ये बिल्कुल सच्ची वाली साखी है, तो हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो गया था। अब मुस्लिम कहे कि हम इनको दबाएंगे और हिंदू सिख कहे कि नहीं तो हमारा गुरु है। अब गुरु नानक देव जी ने क्या किया, जाते जाते भी वो दुनिया को एक करके चले गए। अब एक कोई संत महात्मा आए वहां पे उनका शरीर रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि चलो इतनी लड़ाई कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा था करे क्या, तो अचानक से आंधी आई, हवा आई बड़ी तेज, तो गुरु नानक देव जी की चादर उड़ गई शरीर के ऊपर से, और देखा उसके उनके शरीर की जगह फूल ही फूल थे, और आधे फूल मुस्लिम को दे दिए गए और आधे हिंदू को दे दिए। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो गुरु नानक देव जी जाते जाते भी हम सबको एक करके चले गए, कि उन्होंने कहा मेरा आधा शरीर मुस्लिम अपने हिसाब से दफनाएंगे और आधा हिंदू अपने हिसाब से। तो जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया तो हमें कभी भेदभाव नहीं करना। और एक और आज था आंसर था, मैं भूल जाती हूँ नाम, तो हमें नहीं पता होता, प्यारी सी एक संगत जी थे। कई बार होता है सत्संग में लोग बोल देते हैं कि आज के हमारा व्रत है और हम खाना ये वाला नहीं खा सकते हैं, या इसमें प्याज होता है, या हमारे को हमारा व्रत टूट जाता है, जैसे नवरात्रे होते हैं या कोई भी आपका एकादशी का व्रत होता है। संगत जी, आपने गुरु का भोग लगा हुआ लंगर प्रसाद खा लिया ना, तो आपका व्रत कभी नहीं टूटेगा। और आज मेरे से गुरु जी ने बड़ा प्यारा एक आंसर दिलाया जो मैंने शायद कभी नहीं दिया था, क्योंकि आज मैंने सुबह ही ये शंकरा शंकरा वाला अमृत वेले में चलाया था और उसमें एक लाइन आई थी। तो मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी देखो, हमारे गुरुजी ने ना कैंसर, डायलिसिस, डिप्रेशन, डिवोर्स, ब्रेन ट्यूमर, कोमा में जो लोग थे, हर किसी का जहर पिया, अपने पे लिया और उनको ठीक किया, और आज भी कर रहे हैं। हमारे महाशिव ने विष पी लिया हमारे लिए, हम उनके लिए प्याज नहीं खा सकते? ये कैसी विडंबना है। हम क्यों अभी तक उलझे पड़े हैं वहमों में? हमारा प्रभु हमारे लिए जहर पी रहा है। मैं तो एक बात कहती हूँ, मुझे तो गुरुजी अगर जहर भी दोगे मैं तो वो भी पी लूंगी आपके नाम का। तो प्याज जो है ना, लहसुन प्याज, वो जहर से बढ़ के नहीं है। जहर, जहर कितनी बड़ी चीज है, पियो खाओ और मर जाओ। जब ये भाव आ जाता है ना हमारे अंदर कि मेरे को मालिक जो भी देगा वो विष भी होगा तो मैं पी लूंगा, क्योंकि उन्होंने विष पिया। जब गुरुजी गए थे ना, जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटल में जिन्होंने एक दो लोगों ने उनको देखा था, तो उनकी टांगे ना पूरी नीली काली थी, बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, सारा जितना कैंसर लोगों का था ना उन्होंने अपने शरीर में ले लिया, और इतनी छोटी उम्र में वो उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा, क्योंकि वो अपना दुख कभी उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो दुख लेते चले गए। और
सुख दिया हमें, आज वो उस लंगर प्रसाद को खिला के, जो लंगर हमें दवाइयां दवाई से भी हमें ऊपर ब्लेस करता है। हमें नहीं पता होता इस लंगर को खा के हमारा कौन सा कल कष्ट कटने वाला है, और हम उसको ये सोच लेते हैं अरे हमारा ब्रेड टूट जाएगा, कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि भगवान अगर हमारे लिए, शिव जी अगर इतना विष पी सकते हैं, हम उनके लिए लहसुन प्याज क्या, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी व्यायाम मत पढ़ो, कोई भी व्यायाम मत किया करो, क्योंकि गुरु जी बड़े भोले भाले हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता। प्यार जो आज बरस रहा था, कितनी लिव लगी हुई थी सबकी, ऐसे मस्त हुए पड़े थे, एक आंख नहीं खुल रही थी। ये होता है, यही गुरु जी को चाहिए। और धीरे धीरे संगत ऐसी बन रही है। आप देखो बहुत जगह होता है सत्संग नहीं करते लोग, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोकता भी नहीं है। सेवादार अपना सेवा कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान लगा है तो सच कहती हूँ कि बाकी का भी लग जाएगा। कहते एक अगर डिस्टर्ब करता है तो 100 डिस्टर्ब होते हैं, अगर एक भी ध्यान में बैठता है तो आसपास वाले सारे ध्यान में जुड़ जाते हैं। ये तो होता ही है, अच्छाई जो होती है ना, देख के सब सोचते हम भी अच्छे बन जाएं। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार किसी का मन करता है, किसी के आंसू बह रहे होते हैं, कनेक्शन हो रहा होता है, लिप लगी होती है, या वो आंखें बंद करके बैठा होता है, और जिसका नहीं लगा होता ना, एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वो सोचता है अरे ये कितना पहुंचा हुआ संत महात्मा होगा, इसकी इतनी लिव लगी है, काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। जब आपके मन में ये ख्याल आ जाता है तो फटाफट अपना फोन बंद कर दिया करो, और वैसे भी दरबार में आने से पहले फोन बंद कर दिया आना चाहिए, पर सबके फोन आज बंद थे। थैंक यू गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी आपने संगत बनाई है, शुक्राना, इतने प्यारे गुरु परिवार से जोड़ने का शुक्राना, और इतनी प्यारी मेरी पल्लवी आंटी और ये आंटी अंकल सब इतने प्यारे हैं। हमारा तो ये गुरु परिवार बना ही नोएडा से हुआ है कि हम मतलब खींचे चले आते हैं, आप खुद इतने प्यारे हैं, तो लगता है कि बस ये प्यार है और कुछ नहीं है। नहीं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस प्यार के आगे कोई भी दुनिया का रिश्ता जो है ना वो बेमानी है। यही अनमोल रिश्ते हैं हमारे। और जब संगत में आके जब गुरु संगत हंसती है, मुस्कुराती है, प्यार करती है, तो फिर जीने का और ज्यादा मन करता है, अरे और जी लो। जबकि पहले लगता था जब गुरु जी से नहीं जुड़े थे मर जाए बस, अब जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई है। इतना डिप्रेशन था, इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतना दुख था जीवन में, हर वक्त सुसाइड मेरे को थॉट्स आते थे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, इतनी बीमारियों से भरी हुई थी मैं कि दिल करता था बस आज ही मर जाए। आज दिल करता है नहीं गुरु जी थोड़ा और जी लेते हैं, थोड़ी और सेवा कर लेते हैं, जितने जीवन के हमारे हैं ना सांसे हैं ना, बस अपनी सेवा में लगा दो आप। और फिर वो गुरु जी को पता है कि ये कह रही है सेवा करनी है, फिर उम्र दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, पता नहीं तो ले लेते कब की। और वो कह रहे तू बड़ी चलाक है, सेवा मांगती रहती है, उम्र बढ़वाई जा रही है अपनी। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे मालिक का, आइए केक।